ए वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों आपकी हिंदी की क्लास है आज। कल बच्चों हमने क्या करा था, कल हमने जो पार्ट एट है शेर को शवा शेर उसके हमने वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे और आपका एक करा था एक्सरसाइज। आज हम उससे आगे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर पेज नंबर 68। टुडे डेट डालेंगे आज की। टुडे डेट इज 26th of August 2021। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने किससे कहा, ठीक है, जितने भी वह चैप्टर में सेंटेंस आए हैं किसने किससे कहा आपको पता होगा, अच्छे से चैप्टर रीड करा है। तुम खेत और पशुओं की देखभाल करो, ये किसने बोला था, ये नलिन ने किससे कहा था, अनिल से। ठीक है, ख चांद की रोशनी भी तो रोशनी होती है, ये लाइन किसने कहा था, ये लाइन सेठ करोड़ी मल ने किससे कहा था, नलिन से कहा था। ठीक है, जब नलिन ने क्या करा था, जब नलिन शर्त रखी गई थी, नलिन ने जब सुबह तो काम कर लिया, दिन में भी काम कर लिया, लेकिन जब शाम हुई तो उसने क्या बोला था सेठ ने कि चांद की रोशनी भी तो रोशनी होती है। ठीक है, तो ये लाइन सेठ ने नलिन से कहा। ग भूखे रह के काम नहीं हो पाएगा, ये लाइन किसने कहा, ये लाइन अनिल ने सेठ से कहा। ठीक है, जो नलिन का भाई था अनिल ने सेठ से कहा। ठीक है, अभी देखिए श्रवण कौशल गतिविधि वाली एक्टिविटी है। देखो यहाँ पर नंबरिंग नहीं है तो मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया, ये 5 है तो हम इसको 6 कर लेते हैं। ठीक है, ये जैसे एक पैराग्राफ दिया गया है, जब अनिल उसका भाई आता है तो वो वाला पैराग्राफ है ये, तो उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। वैसे तो आप ये खुद करेंगे बट मैंने यहाँ पर लिख दिए, मैं आपको रीड करवा देती हूँ क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट। अनिल ने अगले दिन सुबह क्या किया, क्या किया अनिल ने अगले दिन सुबह, वो अगले दिन सुबह बहुत देर से उठा। ठीक है, देर तक सोता रहा, वो बहुत लेट उठा, अनिल अगले दिन सुबह देर तक सोता रहा। ठीक है, ख सेठ कब सचेत होकर मुस्कुराने लगा, अनिल ने जब यह कहा ना कि क्या आप नाराज हो रहे हैं, तो इस बात पर सेठ मुस्कुराने लगा। ठीक है, प्रश्न ग फसल कैसे बर्बाद हो जाती, देखो कोई भी फसल हो बेटा वो कैसे बर्बाद हो जाएगी, अगर खेतों में काम ही नहीं करा जाएगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। हम अगर फसलों की सही से सिंचाई नहीं करेंगे, उसमें बीज नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे टाइम से, ठीक है, तो कटाई नहीं करेंगे टाइम से, तो क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। खेत में काम नहीं करने से क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाती। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूँ, ये 5 और ये जो 6 है ये तो आप बुक में ही करेंगे ऑनली। ठीक है, और ये रहा आपका भाषा कौशल, ये सारा ग्रामर पोर्शन है, ये आप किस में करेंगे, हिंदी ग्रामर की कॉपी एंड बुक में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वचन बदल कर लिखिए, रुपया रुपये, वचन बदलना क्या होता है, एक तरफ एक वचन एक तरफ बहुवचन। ठीक है, एक वचन क्या होता है, किसी एक वस्तु को जो दर्शाता है, बहुवचन जब दो या दो से ज़्यादा हो तो वो क्या होता है, बहुवचन। ठीक है, रुपया रुपये, पत्ता पत्ते, कमरा कमरे, मतलब क्या है, कमरा क्या है, एक, और कमरे मीन्स बहुत सारे कमरे, रात रातें, शर्त शर्तें, बात बातें। नेक्स्ट पेज, विलोम शब्दों को उचित मिलान कीजिए, विलोम शब्द आपको पता है ऑपोजिट वर्ड्स, दिन दिन का रात। ठीक है, मैंने मैच भी कर दिया और मैंने यहाँ पर क ख ग भी लिख दिया इनके अकॉर्डिंग, दिन का रात, सुबह का शाम, क्रोध का शांति, गांव का शहर, बर्बाद का आबाद। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, ये विशेषण है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अभी आप ये करिए, मैं आपको जैसे आइए हमारा लास्ट चैप्टर है 8, इसके बाद मैं आपको ग्रामर पोर्शन स्टार्ट कर दूँगी। संज्ञा आपको पता है किसे बोलते हैं, ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा क्या होता है, जो भी नाम होते हैं, नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और सर्वनाम जो किसी के भी नाम की जगह यूज़ करा जाता है वो सर्वनाम होता है। ठीक है, और जो विशेषण है, विशेषण क्या होता है, विशेषण जो इन दोनों की विशेषता बता देता है वो क्या कहलाता है, विशेषण। ठीक है, जैसे यहाँ बहादुर क्या है, विशेषण, और सिपाही क्या है, संज्ञा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट के लिखिए,
क चालाक सेठ ने नलिन को बातों में फंसा लिया। देखो सेठ क्या है, संज्ञा है, सेठ की क्या विशेषता बता रहा है, सेठ कैसा है, चालाक है, तो इस सेठ की विशेषता क्या होगी, चालाक। ठीक है, तो चालाक क्या है, हमारा विशेषण है, ये हमारा क्या है, विशेषण। ठीक है, ख अनिल ने अनिल को भाई की दशा देखकर बहुत दुख हुआ। दुख क्या है इसमें, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, तो कैसा दुख हुआ, तो इसमें भाववाचक संज्ञा की विशेषता बता रहे, दुख कैसा हुआ, बहुत, तो ये बहुत क्या है, हमारा विशेषण। ठीक है, ये लो अपने 25,000 रुपये और मेरा पीछा छोड़ो। इसमें देखो रुपए क्या है, रुपए इसमें आपका है वो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा जो होता है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसको हम नाप या तोल सकते हैं या गिन सकते हैं, वो क्या होता है, द्रव्यवाचक मटीरियल। तो और हम इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं, कितने रुपए, 25,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा विशेषण। घ एक दुर्घटना में उनके माता पिता का देहांत हो गया था, दुर्घटना क्या है, ये भी संज्ञा है। और एक क्या हो गया, ये विशेषता बता रहा है इसकी, कि दुर्घटना क्या क्या हुई, कितनी हुई, एक, तो ये क्या होगी, विशेषता। ठीक है, फोर्थ शब्द को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, जैसे क्या है, नाराज, नाराज नहीं होता, नाराज होता है, तो ये नाराज। ठीक है, इसमें लिखा है सुबह, सुबह नहीं होता, सुबह इसमें छोटे ऊ की मात्रा आएगी। तलाश, तलाश नहीं, तलाश होता है, स सपेरा की जगह सलगम आएगा। क्रोधित, क्रोधित नहीं होता, क्रोधित होता है, बड़ी की नहीं, छोटी की मात्रा आएगी। परिश्रम, इसमें भी छोटी की मात्रा आएगी। दशा, दशा नहीं होता, दशा होता है, स सपेरा की जगह सलगम आएगा। ठीक है, आपको बच्चों देखो क्या करना है, आपको जो ये फिफ्थ और सिक्स्थ है ये आपको बुक में करना है बस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बुक में करना है, मैंने मेंशन भी कर दिया है। और जो ये भाषा कौशल है, ये जितना भी भाषा कौशल है आपका पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन, ये आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में और आपको बुक में करना है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, डू योर सेल्फ। ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रामर पोर्शन करेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस करेंगे। ओके, थैंक यू।